नमस्कार, आप देख रहे हैं केकड़ी न्यूज में आपके साथ रुतिका थपलियाल। और वक्त चला है इस वक्त रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें एक तस्कर के पैर में गोली लग जाने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चार तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। घायल आरोपी को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसिया में इलाज के लिए भर्ती कराया है, जिसके बाद में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हो गए हैं। पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़ की सूचना पर तत्काल एसएसपी रितेश कुमार सिंह और सीओ कसिया पीयूष कांत राय ने मौके पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। अपराध में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जो है ये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जो है हाईवे के रास्ते जो है गोवंश को गौ तस्कर जो है ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर जो है पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है टीम गठित की गई, जिसमें प्रभारी निरीक्षक हाटा, प्रभारी निरीक्षक कसया, स्वाट की टीम लगाई गई। इन लोगों द्वारा जो उनको पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई, उस दौरान जो है बदमाशों द्वारा जो है जो 10-12 ट्रक था उसको डिवाइडर क्रॉस करते हुए ट्रैक को बदलते हुए लिंक रोड पर आए, जहाँ पुलिस द्वारा पुनः घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया गया। तो उस दौरान जो है मुठभेड़ हुई, जिसमें जो है एक अभियुक्त संत कुमार गिरफ्तार हुआ है, जिसके पैर में गोली भी लगी है, और एक हमारा कांस्टेबल ड्राइवर राजेश कुमार, उसको भी चोटें आई हैं और उनको मेडिकल के लिए जो है हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और जो ट्रक बरामद है 10-12, उसमें 22 राशि जो है गोवंश थे। ये सभी अभियुक्त संत कुमार के साथ ही जो है शाहनवाज सुहैल और उसके साथ दो अन्य व्यक्ति थे। ये चार व्यक्ति इसमें से फरार हैं, जिनके पकड़ने के लिए पुलिस टीम कॉम्बिंग कर रही है और प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सभी अभियुक्त आजमगढ़ के हेरौला थाना के रहने वाले हैं, जो इसको तस्करी के माध्यम से बिहार। अमेठी में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र के निर्देश पर अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत आबकारी विभाग ने छापेमारी की है। बता दें कि दबिश के दौरान 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। वहीं मौके से एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। खबर हरदोई से है, जहां चड़ियावां थाना क्षेत्र के ककराहा गांव में 11,000 हाई टेंशन लाइन के तार की चपेट में आने से चाचा और भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं एक की हालत गंभीर होने की वजह से उसे लखनऊ अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। घटना की जानकारी होने के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। सभी का रो रोकर बुरा हाल है। बता दें कि ये पूरा हादसा विद्युत विभाग की लापरवाही से हुआ है। यहाँ हाई टेंशन लाइन जर्जर तारों के सहारे चल रहे हैं। 11,000 वोल्ट की करंट लगने से या तो उसका तार टूट जाने से जो खेतों में बाड़ा लगाया जाता है, उस बाड़ जो तार से था उसमें करंट आ गया। उसको पार करते समय चाचा भतीजा की वहां मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई, इस घटना को जान करके उसके साथ, उन्हीं के साथ अपनी बहन के यहाँ ही उसका साला रमेश रहता था, जिसने इसी मानसिक द्वंद के नाते उसने आज आत्महत्या कर लिया, जिसका पंचायतनामा भरा गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अन्य कार्रवाई है उसको जो भी लाभ के लिए है जो उसको है। इंदौर के महू में 8 मई को स्वर्गीय दीपक जादू की स्मृति में 100वां संगीत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें गायन की चुनिंदा और उभरते कलाकारों को भी हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। बता दें कि इसकी जानकारी भाजपा के पूर्व विधायक जीतू जिराती ने अनौपचारिक चर्चा में पत्रकारों को दी है। जीतू जिराती के नेतृत्व में एक समिति गठित कर कार्यक्रम की तैयारी शुरू की जाएगी। इसके साथ ही पूर्व विधायक जीतू जिराती ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव की ख्वाहिश है कि स्वर्गीय राजू को श्रद्धांजलि भी संगीत के माध्यम से दी जाए। खरगोन में दंगे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं, और खरगोन ही नहीं, देश के बहुत सारे स्थानों पर इस प्रकार की घटना हुई है, और सभी दूर एक प्रकार की घटना। ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश, जिस प्रकार देश की प्रतिष्ठा सारी दुनिया के अंदर बढ़ रही है मोदी जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार देश की साख आज के समय में
भारत एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है। ऐसे समय में जो देश को नहीं चाहते हैं, देश की प्रोग्रेस नहीं चाहते हैं, देश की प्रगति नहीं चाहते हैं, देश की प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं देश को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की साजिश रच रहे हैं। और इससे समाज को भी सावधान रहने की आवश्यकता है और सरकारों को भी सावधान रहने की आवश्यकता। अजान वर्सेस हनुमान चालीसा, क्या ये होना चाहिए? देखिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा बहुत मजबूत है और हमें कोई डर भी नहीं है कि कोई हमें कुछ नुकसान कर पाएगा। बाकी हमेशा एक्शन की रिएक्शन होती है, और जब कोई एक्शन ऐसी होती है कि जिसके कारण कोई व्यक्ति उत्तेजित होता है तो उसकी रिएक्शन भी होती है। तो वास्तव में ये बात सही है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ अपना निजी विषय है, इसको सार्वजनिक करना, सार्वजनिक करने के बाद फिर उसका प्रभाव यदि किसी पर होता है तो कम से कम उसकी चिंता भी करना चाहिए। यदि आप धार्मिक गतिविधि कर रहे हो और किसी का दिल दुख रहा है तो धार्मिक गतिविधि करने का कोई अर्थ नहीं, तो इसलिए इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ कि अजान भी हो रही है और हनुमान चालीसा भी हो रही है, इसका मैं कोई पक्षधर नहीं हूँ, पर ये रिएक्शन होगी और इसको भी रोक नहीं सकते। महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी वैवाहिक और अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों में यहाँ पर पहुँचे थे, तो उनका एकदम आयोजन और कार्यक्रम बना कि दीपक जाजू की स्मृति में भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि जाजू जी महू की धड़कन थे, वो यहाँ की नब्ज़ थे, उसको जीते थे, यहाँ के लोग उनको जीते थे, तो उनकी स्मृति में 8 मई को एक गीत संगीत से भरा हुआ कार्यक्रम होना है जो अभी यहाँ पर तय हुआ है, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के संयोजन में होना है, तो एक बेहतर कार्यक्रम उनको समर्पित करके उनके श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ पर होना है, इसलिए सारे लोग एकत्रित हुए थे। दीपक जाजू जी मित्र मंडली, उनका जो मंडल है वो भी थे, भारतीय जनता पार्टी के सब वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर थे, और आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के जो फॉलोअर्स हैं, मतलब हम सब लोग उनके साथ में बैठ करके इस तरह का कार्यक्रम बना है जो एक कहीं ना कहीं आनंद का कार्यक्रम होगा। 8 मई उसकी तारीख तय हुई है, और वो कौन सा गार्डन है, उत्तम गार्डन में उस कार्यक्रम का संयोजन होना जी। आज खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से है, जहां हायर अथॉरिटीज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के निर्देशानुसार छात्रों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था के सम्मेलन कक्ष में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सजियान अनवर खान ने बताया कि एक वन स्टॉप इंटरैक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो लोगों को उनके क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की प्रकृति, स्थिति और संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। भूमि अभिलेख प्रणाली तक आसान ऑनलाइन पहुंच की सुविधा के लिए एक पहल है, जिससे भूमि अभिलेखों के हेरफेर को कम किया जा सके और राजस्व कार्यालयों की दक्षता में काफ़ी सुधार किया जा सके। जी, आज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजिया में हायर अथॉरिटीज़ के इंस्ट्रक्शन पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया, जिसमें बच्चों को अवेयर करने के लिए हमने आपकी ज़मीन आपकी निगरानी और जन भागीदारी जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं हमारी LG गवर्नमेंट के, उनके बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। पहले आपकी ज़मीन आपकी निगरानी के बारे में बताते हुए उन्हें बताया गया कि ये जो 22 अक्टूबर को ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इसको लॉन्च किया था JKUT में, जिसमें लैंड रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन का ये सिस्टम है। हम इसको जो हमारा डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ये है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई कि किस तरह हम अपनी ज़मीन की निगरानी खुद कर सकते हैं। फिर दूसरा जन भागीदारी पोर्टल जो है, जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल है, जिसमें हम जान सकते हैं कि हमारे इलाके में होने वाले नंबर ऑफ डेवलपमेंटल वर्क्स, उनका स्टेटस, उनकी नेचर और किस तरह की उसमें फंडिंग्स है, ये सारी जानकारी फिंगर टिप्स भी होगी। इनकी ऐप्स भी हैं, बच्चों के साथ इनके लिंक्स भी शेयर किए गए जो हमारे ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस के ग्रुप्स हैं उनमें, और बच्चों को ये भी कहा गया कि इस इन्फॉर्मेशन को वो कैरी फॉरवर्ड करें, अपने बड़ों तक पहुंचाएं और ख़ुद भी एक्सेस करके देख लें कि कितने काम हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। और जहाँ तक हम आपकी ज़मीन आपकी निगरानी है, इसके बारे में उनको जानकारी दी गई कि जो मैनिपुलेशंस होती थी हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, उनको कैसे चेक किया जा सकता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज बच्चों तक पहुँचाएगी जी। खबर बिजनौर से, जहां खो बैराज गंगा नदी में युवक की डूबकर एक युवक डूब गया। युवक दोस्तों के साथ नदी में नहाने के लिए गया था, इसी दौरान चारों दोस्तों में नदी को तैरकर पार करने की शर्त लगी थी, जिसके बाद नदी के तेज बहाव और गहराई के कारण युवक नदी में डूब गया है। सूचना मिलते ही मौके पर क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़ भी
पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और गोताखोरों के साथ पहुंचे स्थानीय पुलिस टीम नदी में अंदर तक तलाश की। खबर इंदौर के महू से है, जहां नगर परिषद महू गांव में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने तहसील स्तरीय मेले का आयोजन किया। यह आयोजन नगर परिषद क्षेत्र में किया गया, जिसमें हजारों मरीज स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पहुंचे। नगर परिषद क्षेत्र के धारनाका स्थित माध्यमिक विद्यालय परिसर में स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया। इस मेले में हजारों की संख्या में महिला और पुरुष निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के लिए पहुंचे। इस दौरान मुख्य विकासखंड स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य मेला में जांच के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहे, जहां निःशुल्क जांच कर निःशुल्क दवाइयां भी दी गई हैं। साथ ही इस मेले के माध्यम से शारीरिक और मानसिक विकलांगता प्रमाण पत्र हेल्थ आईडी आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। हमारा स्वास्थ्य मेला लग रहा है, इसमें सारी चीज़ों की जाँचें, मतलब इसमें आपको लगेगा कि हेल्थ आईडी भी बन रही है, इसके अलावा आयुष्मान कार्ड बन रहा है हमारा, पर मेडिकल बोर्ड जो है वो भी आया हुआ है, मेडिकल बोर्ड यहाँ पे, उन्हीं के सर्टिफिकेट भी पूरे बन जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास सारे विशेषज्ञ सारे लोग आए हुए हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, मेडिसिन के हैं, सर्जरी के हैं, आपका ऑप्थल्मोलॉजी वाले मिल जाएंगे, ऑर्थोपेडिक के में हैं डॉक्टर, सर्जरी के अलावा हमारे पास ENT वाले डॉक्टर भी है, ये सारे अलग अलग जो पैथी के हैं, और इसके अलावा डेंटिस्ट भी हमारे पास हैं। जो अगर क्योंकि मेजर चीज़ ये है कि इस उद्देश्य भी यही है, मेले का उद्देश्य कि जो ग्रामीण इलाके से या जहाँ से लोग बाग नहीं पहुँच पाते थे, उनका हमारा उद्देश्य ये है कि स्वास्थ्य विभाग में जो जिन पहुँचे हम तक, हम पहुँचे उन तक का उद्देश्य को लेकर ये अलग अलग ब्लॉक स्तरीय जो शिविर और ये जो मेले लगाए जा रहे हैं, इनमें ये सारी सुविधाएँ दी जा रही है। खबर कुशीनगर से, जहां गुरुवार को कसिया पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग की, जिस दौरान बैरिया चौराहे पर एक कार की डिग्गी से देशी शराब की 25 पेटियों से 1125 शीशी अवैध देशी शराब के साथ दो फर्जी नंबर प्लेट बरामद किए गए हैं। साथ ही 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अवैध शराब की कीमत लगभग 1,00,000 रुपए है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर बहराइच से है, जहां जमीन की खातिर पोते ने दादी को गोली मार कर उसकी हत्या कर दी। मृतका अपनी बड़ी बेटी के घर रह रही थी, जिस समय यह घटना हुई मृतका की बड़ी बेटी खेत में थी, जबकि बहू और पोते घर पर। दरअसल मामला नानपारा के ग्राम के केशवपुर का है, जहां एक पोते ने जमीनी विवाद में अपनी दादी को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका 20 साल से अपनी बड़ी बेटी के घर रह रही थी। गुरुवार की दोपहर मृतका का पोता अपनी बड़ी बुआ के घर पहुंचा और दादी से खेत के बारे में कहने लगा। इसी बीच किसी कहासुनी में अपने साथ लाए असलहे से दादी के ऊपर फायर झोंक दिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही दलबल के साथ मौके पर पुलिस वहां पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कोतवाल ने बताया कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्टर्स रिपोर्ट में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज़।